सांसद अनुराग ठाकुर ने लोगों को सुविधा देने के लिए इलेक्ट्रिकल टैक्सी योजना का शुभारंभ वीरवार देर शाम किया। ये योजना हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा आरंभ की गई है। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोगों को यातायात की बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं तथा शहर के आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल टैक्सी योजना काफी लाभकारी सिद्ध होगी। उन्होंने बताया कि हमीरपुर में इलेक्ट्रिकल टैक्सी पक्का ब्रो, NIT, सेंट्रल स्कूल झनियारा, छबोट आदि लोकल क्षेत्रों के लिए चलेगी। इसके लिए न्यूनतम किराया भी तय कर लिया गया है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। इस अवसर पर उनके साथ हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर भी मौजूद रहे। देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि 130 करोड़ की आबादी के मुल्क में जब प्रतिवर्ष लाखों व्हीकल सड़कों पर आते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, जहां हर वर्ष नई टेक्नोलॉजी भी आती है, भारत 1, 2, 3 या 4 पे जाना, मुझे लगता है समय आया है कि प्रदूषण रहित जो बसें हैं, गाड़ियां हैं, टैक्सीज हैं, व्हीकल्स हैं, इनका उपयोग किया जाए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक शुरुआत की है कि हर ज़िला में कुछ गाड़ियां इलेक्ट्रिकल ई व्हीकल जिसको हम कहते हैं वो दी हैं और HRTC के माध्यम से चलेंगी, और इससे शहरी क्षेत्रों में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा जहां पर आना जाना बहुत है, बहुत गाड़ियां हैं। जैसे मैं हमीरपुर का ही उदाहरण दूं, हमने अनुकला जो सांसद आदर्श ग्राम लिया है वहाँ के लिए सड़क पर छोटी बस जाना भी कई बार असंभव हो जाता है। उन क्षेत्रों के लिए ई व्हीकल्स ये बहुत उपयोगी रहेंगी। शहर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज NIT से लेकर बाजार तक आने के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। शहर के अलग अलग वार्ड्स में अगर जहां पर जाने की संभावनाएं होंगी वहां पर भी इनका सदुपयोग किया जा सकता है। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा इन टैक्सियों का 0 से 4 किलोमीटर तक के लिए 10 रुपये, 4 से 7 किलोमीटर के लिए 15 रुपये, 7 से 10 किलोमीटर के लिए 20 रुपये, 10 से 14 के लिए 25 रुपये तथा 14 किलोमीटर से 18 किलोमीटर के लिए 30 रुपये, 18 किलोमीटर से ऊपर के लिए 35 रुपये किराए लिए जाएंगे। अभी हमारे पास यहाँ 4 इलेक्ट्रिक टैक्सी आई है जो कि बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और इसके लिए हमने हमीरपुर शहर के जितने भी हमारे पब्लिक है और जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, दूसरे हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी सुविधा हेतु एक टैक्सी जो है वो अनु NIT तक जाएगी, दूसरी जो है पक्का परो और SSB जो है हमारा सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वहाँ तक जाएगी, तीसरी जो है वो दो सड़का और अपने जो बड़ू में कॉलेज है पॉलिटेक्निक कॉलेज, इसके लिए प्लान की है हमने, और इसमें किराया जो है हमने इस प्रकार से निर्धारित किया है कि 0 से 4 किलोमीटर तक जो है 10 रुपये किराया है और 5 से अपने 8 किलोमीटर तक जो है वो 15 रुपये है और 8 से 11 किलोमीटर तक 20 रुपये है, और इस प्रकार जो है हमने 4-5 स्लैब बनाए हैं। तो मुझे ऐसी आशा है कि शहर के लोग जो हैं इसको ज़रूर पसंद करेंगे और इससे जो है भरपूर फ़ायदा जो है यहाँ उठाएँ। बसों का तो हमारा अभी नया शेड्यूल नहीं है कोई भी, आज तो सिर्फ इलेक्ट्रिक टैक्सी का ही हमने शुभारम्भ करना है, जिसमें माननीय हमारे सांसद अनुराग ठाकुर जी और यहाँ के विधायक जो हैं माननीय नरेंद्र ठाकुर जी इसका शुभारंभ करेंगे। चुनाव से पहले आ चुकी थी मगर कुछ जो इसकी परमिट से रिलेटेड और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो अभी पूरी नहीं थी, जो कि अभी हमने इस सरकार आने के बाद पूरी की है।